सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम जा रहे हैं शनि के मंदिर और वहां पे जा करके आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक शनिवार को एक ऐसा टोटका कर सकते हो और एक ऐसा नुस्खा कर सकते हो कि अगर आप ये हर शनिवार अगर आप ये रिपीट करते हो तो मैं इतना ही गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके घर में जितने भी काम हैं जो बन नहीं रहे हैं वो सारे काम बनेंगे, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। हमको फॉलो करते हुए 1 साल हो गया और हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है और हम हर शनिवार को ये काम करते हैं। पहले के टाइम पे आए दिन मेरे काम बिगड़े करते थे और जिस काम में मैं नहीं भी समझता था ना कोई मुसीबत आने वाली है, कोई अड़चन आने वाली है, उस काम में मुसीबत आती ही आती थी। तो हमने बस ज़्यादा नहीं, हमको किसी ने ये बताया पंडित ने कि आप ये करो, हमने ये नहीं है कि हमने उनकी बात सुन के हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, हम उसको 1 साल हमने उसको करके देखा है तो जाके हमने देखा कि हमें रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो जाकर हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हर एक पर्सन जो भी चाहता है कि मेरे को आप मेरे काम हर बने, मेरे कारोबार में तरक्की हो, उसको सिर्फ ये करना है कि शनिवार के दिन जा कर के सिर्फ शनि के मंदिर पे जितने हो सके मेंबर हैं घर के, जो जो जाना चाहता है, जिनके काम नहीं बन रहे उनको कह रहा हूँ मंदिर पे जा कर के शनि के शाम के 6 बजे, ज़्यादा नहीं, वहाँ से आपने दिए लेने हैं 5-5 रुपये के, 2 दिए मिल जाएंगे, सिर्फ 2 ही लेने हैं, 1 पर्सन ने 2 दिए लेने हैं और उसमें काला तिल और काला दाल उसमें डाल करके आपने शनि के मंदिर में जाके चढ़ाना है। सिर्फ 10 रुपये आपका खर्च होएगा और वहाँ पे एक शनि मंत्र लिखा होगा, उस शनि मंत्र को आपने मन ही मन में पढ़ लेना है। ये सिर्फ आपने हर शनिवार करना है और कोशिश करना है कि आपने जितने टाइम तक हो सके इसको कंटिन्यू ही रखना है और आपके मैक्सिमम 10 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। ये जाके आपने हर बार रिपीट करना है। आप ये देखना कि आपको 7 शनि या 8 शनिवार के बाद आपको अपने काम बनते हुए दिख जाएंगे। जो काम नहीं भी बन रहे हैं ना वो काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं वो कम हो रही है, कि पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो गाइस, मैं बस यही कहना चाहूँगा और प्लीज़ वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट भी करना। सो बाय, टाटा।